हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ एडविन आर्लिंगटन रॉबिन्सन के द्वारा लिखी गई कविता रिचर्ड कोरी की। रिचर्ड कोरी सबसे पहले अमेरिकन पोइट एडविन आर्लिंगटन रॉबिन्सन के सेकंड बुक ऑफ पोएम्स द चिल्ड्रन ऑफ द नाइट में आई थी। कविता चार स्टेंजाज में है, जिसमें हमें एक धनी व्यक्ति के बारे में वर्णन मिलता है। रिचर्ड कोरी जो एक धनी व्यक्ति है, और यहाँ पे कवि और उसके जो समुदाय है, यानी कि शहर के जो निम्न वर्ग के जो लोग हैं, जो अपना जीवन गरीबी में बिता रहे हैं, वे लोग रिचर्ड कोरी को अपना आदर्श मानते हैं। और लोगों का कहना था कि रिचर्ड कोरी किसी भी राजा से अधिक धनी था। शहर के जो भी लोअर क्लास के जो लोग थे, वे सभी उन लोगों का मानना था कि रिचर्ड कोरी के पास वो सब कुछ है जिसका वो ख्वाब वे लोग देखते थे। सभी का कामना उसके जैसा बनने का था। लोग उसे बड़े सम्मान और प्रशंसा के नज़र से देखते थे। दिन बीतते गए और सभी के लिए चौंकाने की बात तो यह थी कि एक रात रिचर्ड कोरी अपने आप को गोली मारकर ख़त्म कर दिया। चलते हैं, इस कविता को पढ़ते हैं। यहाँ पे फर्स्ट स्टेंजा में लिखा हुआ है, व्हेन एवर रिचर्ड कोरी वेंट डाउन टाउन, वी पीपल ऑन द पेवमेंट लुक्ड एट हिम। जब कभी भी रिचर्ड कोरी शहर के गली से होकर गुजरता, वी पीपल ऑन द पेवमेंट लुक्ड एट हिम, कि हम सड़क पर के जो लोग हैं, यहाँ पे जो लिखा गया है वी पीपल ऑन द पेवमेंट, यानी कि जो लोअर क्लास के जो लोग थे, जो समाज के निम्न वर्ग के जो लोग थे, जिसमें स्पीकर अपने आप को शामिल करके बता रहे हैं, तो रिचर्ड कोरी को वो लोग घूरते, बड़े ही आश्चर्य से उसकी तरफ देखते, क्योंकि रिचर्ड कोरी काफ़ी धनी व्यक्ति था। ही वॉज अ जेंटलमैन फ्रॉम सोल टू क्रॉन। आगे यहाँ पे फिर लिखा गया है, ही वॉज अ जेंटलमैन फ्रॉम सोल टू क्रॉन, कि रिचर्ड कोरी एक परफेक्ट जेंटलमैन दिखता, यानी कि वह ऊपर से नीचे तक उच्च दर्जे का व्यक्ति दिखता। और आगे फिर यहाँ पे लिखा गया है क्लीन फेवर। यहाँ पे ये वर्ड जो यूज किया गया है क्लीन फेवर, यहाँ पे रिचर्ड कोरी के बारे में बताया जा रहा है कि रिचर्ड कोरी के बारे में कि वह विशेष अधिकार प्राप्त व्यक्ति है। साथ ही कोरी सड़क पर के लोगों के लिए राजा के समान थे। इम्पेरियली स्लिम, यहाँ पे इम्पेरियली का मीनिंग हो गया किंगली, राजा के तरह, ठीक एक राजा के तरह लोगों के लिए वो था। बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। एंड ही वॉज ऑलवेज क्वाइटली अरेड, एंड ही वॉज ऑलवेज ह्यूमन व्हेन ही टॉक्ड। रिचर्ड कोरी हमेशा ही अच्छे कपड़े पहने हुए रहता, ना कि कोई भड़कीले कपड़े वो पहनता था लोगों के ध्यान को खींचने के लिए। यहाँ पे अरेड का मीनिंग हो गया वस्त्र पहना हुआ होना। एंड ही वॉज ऑलवेज ह्यूमन व्हेन ही टॉक्ड, कि उसके पास धन और अच्छा रंग रूप होने के बावजूद भी वह लोगों से बिना कोई अभिमान के साथ बड़े ही नम्रतापूर्वक लोगों से बात करता था। बट स्टील ही फ्लटर्ड पल्सेस व्हेन ही सेड गुड मॉर्निंग, एंड ही ग्लिटर्ड व्हेन ही वॉक्ड। और आगे यहाँ पे फिर लिखा गया है कि लेकिन उसका इत्तेफाक से लोगों को जब वो गुड मॉर्निंग अभिवादन, लोगों में एक अजीब उत्तेजना पैदा करता था। लोग उसके उस मॉर्निंग के अभिवादन को, गुड मॉर्निंग को सुनने के बाद काफ़ी उत्तेजित हो जाते। सो यहाँ पे लिखा गया है बट स्टिल ही फ्लटर्ड पल्सेस व्हेन ही सेड गुड मॉर्निंग एंड ही ग्लिटर्ड व्हेन ही वॉक्ड। और यहाँ पे जो ग्लिटर लिखा गया है, हो सकता है ये रिचर्ड कोरी का गोल्डन वॉच हो या उसका कोई ज्वेलरी हो जो कोरी पहनता है, और जब वो सनलाइट में चमक रहा होता है, मानो कि वह सोने के तरह दिख रहा हो जब भी वह लोगों से होकर गुजरता। आगे यहाँ एंड ही वॉज रिच, यस रिचर देन अ किंग। स्पीकर यहाँ पे कोरी को किंग से कंपेयर कर रहे हैं कि वह किंग से भी अधिक धनी था। और आगे फिर लिखा गया है एंड एडमायरेबली स्कूल्ड इन एवरी ग्रेस, कि वह विनम्र व्यवहार में हर तरह से कुशल था। यहाँ पे जो स्कूल्ड लिखा गया है, आप इसे ट्रेंड के सेंस में समझो, प्रशिक्षित होना, कि उसे बिल्कुल अच्छी तरीके से पता था कि लोगों के साथ किस तरह से बात किया जाए। और सो यहाँ पे लिखा गया है कि वह काफ़ी विनम्र भाव और विवेकी वाला वो व्यक्ति था। इन फाइन वी थॉट डैट ही वॉज एवरीथिंग टू मेक अस विश डैट वी वर इन हिज प्लेस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिचर्ड कोरी के पास वो सब कुछ होता हुआ प्रतीत हो रहा था, जिसके वजह से लोग रिचर्ड कोरी की तरह
बनने का अभिलाषा करते थे, यानी कि वे सभी लोग कोरी का स्थान पे होने का ख्वाब देखते थे। बढ़ते हैं लास्ट के स्टेंजा में, एंड सो ऑन वी वर्कड एंड अवेटेड फॉर द लाइट। इस तरह से यहाँ पे अब हम लोग रिचर्ड कोरी के बारे में नहीं, बल्कि यहाँ पे स्पीकर और अपने समुदाय के बारे में बता रहे हैं कि जो निम्न वर्ग के जो लोग थे, जो वर्किंग पीपल थे, सो ऑन वी वर्कड कि हम लोग काम करते रहे, और उन लोगों को एक इंतज़ार था कि उनका जीवन जो है वो बेहतर हो सकता है। सो यहाँ पे लिखा गया है वेटेड, इंतज़ार कर रहे थे फॉर द लाइट। यहाँ पे आप लाइट को समझो बेटर लाइफ, बेहतर जीवन, कि वे लोग किसी तरह अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, किसी तरह काम कर रहे थे, और वे लोग इंतज़ार कर रहे थे कि उनका जीवन जो है वो बेहतर हो जाएगा। एंड वेंट विदाउट द मीट एंड कर्स द ब्रेड। और यहाँ पे लिखा गया है कि काम करने वाले जो लोग थे वो मेहनत करते थे, हालांकि वे लोग बहुत ही मुश्किल से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे, सिर्फ ब्रेड यहाँ पे जो लिखा गया है वो प्रबंध कर सकने में वे लोग सक्षम थे, जबकि वो अपना विचार जो है मीट के लिए छोड़ दिए थे कि वे लोग मीट भी खा सकेंगे। इस बात को लेकर वो इस तरह का चाह जो है वो छोड़ दिए थे। और यहाँ पे आगे लिखा हुआ है एंड रिचर्ड कोरी वन काम समर नाइट वेंट होम एंड पुट अ बुलेट थ्रू हिज हेड, कि कोरी एक रात अपना वो घर गया और उसी रात अपने आप को वो गोली मारकर ख़त्म कर दिया। यह कविता इस तथ्य पे बल देता है कि यह मायने नहीं रखता है कि कोई भी व्यक्ति कितना प्रसन्न दिख रहा है या उसका पहनाव वेशभूषा से हम लोग निर्धारण नहीं कर सकते हैं कि वह काफ़ी प्रसन्न व्यक्ति है कि, और हम लोग ये भी नहीं सोच सकते हैं कि वह हमसे बेहतर है। हर इंसान का अपना स्थिति होता है जिसका निर्धारण हम उसके लुक के आधार पर नहीं कर सकते हैं। हालांकि इस कविता में यह बात बिल्कुल ही अज्ञात रहा कि किस वजह से रिचर्ड कोरी जो है वो आत्महत्या किया था, जबकि रिचर्ड कोरी लोगों की नज़र में काफ़ी प्रसन्न और धनी व्यक्ति था, फिर भी उसके आत्महत्या का वजह जो है इस कविता में अस्पष्ट ही रहा। इसलिए यह माना जा सकता है कि हर धनी व्यक्ति खुश नहीं हो सकता है, जैसा कि हम लोगों का भ्रम है। गरीब लोगों का सोच होता है कि धन खुशी का सबसे बड़ा सूचक होता है। रिचर्ड कोरी आधुनिक अमेरिकन जीवन का विडंबना है। धन और अच्छा दिखावा खुशी या मानसिक शांति को कभी सुनिश्चित नहीं करता है। रिचर्ड कोरी जीवन में इतना कुछ प्राप्त करने के बावजूद भी संतुष्ट नहीं था, जबकि शहर के जो लोग थे उसका प्रशंसा करते थे, उससे ईर्ष्या करते थे। यह कविता 1897 में लिखा गया था। अमेरिका में 1893 से लेकर 1897 तक आर्थिक मंदी था, जिसके दौरान बहुत सारे सुसाइड हुए थे। हालांकि रिचर्ड कोरी का सुसाइड आर्थिक स्थिति के कारण नहीं हुआ था। आई होप कि यह कविता आप लोगों को समझ में आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।